आज हम आपको ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी को रहती है। हमारा आज का विषय है, ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पे कभी न समाप्त होने वाली बहस हो सकती है। इनमें धर्म और भगवान का अस्तित्व सबसे चर्चित है और इन बातों पर कभी भी लोग एकमत नहीं हो सकते। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में हमारे धर्म ग्रंथों और विज्ञान दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है ब्रह्मांड या जीवन का निर्माण स्वतः यानी अपने आप हुआ है। मतलब अगर विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका ही नहीं है। असल में भगवान है या नहीं, ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है। ना ही भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना, और जब अपने घर को देख रहे हो तो उस समय कोई आपसे कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये अपने आप बना है, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित ही आपका जवाब होगा कि आपका घर अपने आप नहीं बना बल्कि इसे मिस्त्री या मजदूर यानी इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब अगर सामने वाला बंदा कहे कि भाई साबित करो इसे इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करेंगे? तो दोस्तों, इसे साबित करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है और वो शब्द है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। दोस्तों, व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बनती। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए, क्या आपको इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखती? हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं, क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? लेकिन दोस्तों, फिर सवाल यही उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? यह जो भगवान शब्द है, यह भी हम इंसानों ने ही निकाला है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भगवान शब्द का मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब हमें बनाने वाले से होता है या कुछ और? यदि आपको सच में भगवान देखना है तो आप अपने आसपास मौजूद हर एक छोटी सी छोटी सजीव और निर्जीव चीज में उसे देख सकते हैं। विश्वास का ही दूसरा नाम भगवान है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।